इस एक्सपेरिमेंट में जो नेक्स्ट है वो है इंपैक्ट पैरामीटर। देखो इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जब एक न्यूक्लियस को यहां रखा गया, ये न्यूक्लियस है और अल्फा पार्टिकल आ रहे, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जब न्यूक्लियस के पास अल्फा पार्टिकल आया तो कुछ अल्फा पार्टिकल सेंटर लाइन के अलोंग आए और वापस चले गए, कुछ मैंने बताया दूर से आए वो कम डिफ्लेक्शन से चले गए, और कुछ तो बिल्कुल सीधे चले गए। तो सेंट्रल लाइन से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर अल्फा पार्टिकल आया, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंपैक्ट पैरामीटर क्या चीज है, सेंट्रल लाइन से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऊपर अल्फा पार्टिकल आया उसको इंपैक्ट पैरामीटर बोलते हैं। सेंट्रल लाइन से अगर हम सेंट्रल लाइन के ऊपर की अल्फा पार्टिकल की बात करें उसका इंपैक्ट पैरामीटर बी क्या होगा, जीरो, लेकिन बाकी पार्टिकल्स का तो कुछ ना कुछ होगा। तो ये भी ट्रू है कि बहुत कम पार्टिकल सेंट्रल लाइन के आसपास आए, और अगर इंपैक्ट पैरामीटर हाई है, इसकी वैल्यू बड़ी है, तो उनमें डिफ्लेक्शन कम देखी गई, वो सीधे के सीधे चले गए। तो बी की वैल्यू अगर हाई है तो पार्टिकल सीधे के सीधे चले गए। तो इंपैक्ट पैरामीटर कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को नोट कर ले फॉर्मूला रजिस्टर में। इंपैक्ट पैरामीटर 1/4πε0 इनटू जेड फॉर न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर जेड, ई का स्क्वायर, कॉट ऑफ थीटा बाय टू का मतलब वो एंगल डिफ्लेक्शन, डिवाइडेड बाई ई फॉर एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो आप सिर्फ ये नोट कर लें फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला ही सिलेबस में है, इसका प्रूफ नहीं मिलेगा आपको इसमें।